मध्य प्रदेश में बेलगाम हो चुकी कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए अब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसमें न सिर्फ अब पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनता को जागरूक किया जाएगा बल्कि दुकानदारों और आम जनता को भी अपनी समझदारी का एहसास कराया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी कैलाश चंद्र परते द्वारा नगर के गणमान्य नागरिक व्यापारी बंधु एवं पत्रकार साथियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना से संबंधित गाइडलाइन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें एसडीएम ने उपस्थित सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सामाजिक दूरी एवं मास्क का प्रयोग करें। सभी व्यापारी अपनी दुकानों पर मास्क नहीं तो सामान नहीं का स्लोगन टांगे, ताकि जल्द ही हम कोरोना महामारी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकें। बैठक आज बुलाई गई थी, इसमें क्या फैसला लिया है आगामी लॉकडाउन को लेकर? अभी आज हम लोगों ने ब्लॉक स्तरीय जो जनप्रतिनिधि व्यापारी और अन्य जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद में जो है हमारे जो 9 तारीख से जो लॉकडाउन लगा था उसके संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान उन्होंने सारी चीज़ें आदान प्रदान की गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि ये जो लॉकडाउन ठीक रहा है इसमें कुछ लोगों के लिए जरूर मतलब जो 14 नंबर 15 नंबर वार्ड में कुछ समस्याएं आई हैं, वो जो बगैर मास्क के घूमते रहे तो उनसे चालानी कार्रवाई भी की है। अब जो है आगामी एक सप्ताह और बढ़ाने के संबंध में हम लोगों ने हमारे सभी उपस्थित शांति समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह और बढ़ाया जाए, उसमें सहमति प्रकट की गई। लेकिन इससे पहले यह है कि उनको एक दिन दो दिन के लिए जो है वो विक्रय करने के लिए जो एक सप्ताह से भी बंद है, तो उसमें जो है उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए जो गरीब तबके के लोगों उनको जो खरीदी बिक्री करना है वो खरीद लें, इसके बाद में लॉकडाउन कर दें, तो इसके लिए सहमति बनी है। तो छोटे व्यापारी को जो पाल व्यापारी है उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएंगी, क्योंकि उनका भी पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है उनके लिए? अभी तो जो है फेरी लगा कर मतलब जो है हमारे सब्जियों में चाहे मतलब जो होम डिलीवरी किराना की हो वो उसके लिए पूरे निर्देश दिए गए हैं, वो कर भी रहे हैं।